हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केम स्कूल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नए टॉपिक इन सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में, जिसका नाम है टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन। एंड इसमें हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ इन डिटेल व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। सो प्लीज नोट दिस केयरफुली। कार्बन कैन शो ओनली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन: sp3, sp2 एंड sp। sp3 you will see in alkanes, sp2 you will see in alkenes, sp you will see in alkynes. Simple. sp3 when you have all single bond, sp2 when you have a double bond attached to that carbon, sp when you have a triple bond attached to that carbon. Now, how do we know that when are we supposed to use this or this? We will do a trick for that, but before that I want to just show you a small introduction. Remember, just note this important point. Remember, we have four different types of orbitals: s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. Each orbitals have different number of suborbitals. In case of s, you have one orbital which is the suborbital, but p ke case mein you will have three suborbitals, for d you will have 5, and for f you will have 7. Just remember the odd numbers from 1 to 9. So in this case 1, 3, 5, 7, ye aapke odd numbers hai, to aapko yaad rakhne ke liye bhi ye kya rahenge, easy rahenge. Now why this is important: whenever you talk about hybridization, s aap sirf ek hi use kar sakte ho. Har ek hybridization aapko start karna padega s orbital se hi. s आप सिर्फ एक यूज़ कर सकते हो। s एक यूज़ करने के बाद हम लोग p यूज़ करेंगे। p अपने पास कितना है? 3। तो आप देखिए आपको हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये केस में एक s और एक ही p ज़रूरत था, ये वाले केस में एक s और दो p की ज़रूरत थी, ये वाले केस में एक s और तीन p की ज़रूरत थी। लेकिन अगर चार p की ज़रूरत है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अपने पास p कितना है? मैक्सिमम 3। p ख़त्म हो गया, फिर आप d पे आ जाइए। ओके, तो नाउ सपोज आपके पास पांच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो हम क्या लेंगे? एक s, s एक ही है, p हम कितना ले सकते हैं? 3। फिर एक क्या लेंगे हम? d। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। नाउ अभी फिलहाल के लिए ये आपको वेग लग रहा है, बट व्हेन वी सॉल्व यू विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। जस्ट रिमेंबर दिस, s अपने पास एक रहेगा, p3d5 एंड f7। सो लेट्स स्टार्ट। अदर ट्रिक दैट यू विल रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कैपिटल एन सिंबल से यूज करेंगे या डिपिक्ट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये काउंट करने आना चाहिए कि अपने पास सिग्मा बॉन्ड कितना है कार्बन को। सेंट्रल कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना है वो काउंट कर लीजिए, प्लस लोन पेयर कितना है। लोन पेयर्स बोला है मैंने, सिर्फ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला है, मैंने पेयर्स में बोला है। तो दो इलेक्ट्रॉन का आपको एक पेयर लेना पड़ेगा लोन पेयर, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम एग्जाम्पल। पहला मैंने मीथेन लिया है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हम सेंट्रल कार्बन का कैलकुलेट करेंगे, तो ये कार्बन है, इसको देखते हैं हम सिग्मा बॉन्ड कितना है। याद है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। सो दिस कार्बन यू कैन सी हैज सिंगल बॉन्ड। रिमेंबर, टू एटम्स के बीच में जो भी पहला बॉन्ड रहेगा वो हमेशा सिग्मा रहेगा। आई रिपीट, टू एटम्स के बीच का पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा। बचा कुछ आप सब पाई लिख देना। सो दिस कार्बन हैज सिग्मा बॉन्ड्स। So this is first sigma bond, this is second sigma bond, this is third sigma bond and this is fourth sigma bond. So carbon and hydrogen ke beech mein apne ko kitna sigma bond aaya? 4. So n is equal to, we have 4 sigma bonds plus, ab check karo, koi aapko free electron dikh raha hai kya? Carbon ke outermost shell mein 4 electron tha aur 4 bond bana diya hai, koi free electron hai kya? Nahi hai, matlab yahan pe koi lone pair nahi rahega, apne paas kya hai? Lone pair 0. सो अपना एन कितना आया? 4। तो 4 में से आप यहाँ पे इसे यूज़ करना स्टार्ट कर लीजिए, एक एस और तीन पी। सो 1s एंड पी हम कितना यूज़ करेंगे? 3। सो इन दिस केस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन योर इज sp3। आई रिपीट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3। हमने यहाँ पे बोला है शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो वेन एवर यू हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द शेप और द ज्योमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल बी tetrahedral. Let's solve the second example. Ethene दिख रहा है आपको, find out the carbon. You have two different carbon, तो आप दोनों का hybridization बोल सकते हो. So let's see this carbon. You can see that both the carbons look similar. तो आप किसी एक का भी calculate करोगे तो भी चलेगा. So count the sigma bond for this.
सो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है इसलिए सिग्मा, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है इसलिए सिग्मा, इस कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है तो डेफिनेटली एक बॉन्ड क्या होगा आपका सिग्मा, और बचा कुचा सब क्या रहेगा पाई, राइट। सो कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन था, चार बॉन्ड बना रहा है वो, मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन फिलहाल के लिए प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के टाइम पे आप सिग्मा बॉन्ड देखिए कितने अपने पास, 3। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो अपने पास सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हम एक एस यूज करेंगे। पी अपने पास 3 है लेकिन टोटल अपने को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितना यूज करना है, 3, तो हम एक एस यूज करेंगे और पी कितना यूज करेंगे हम, 2, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। सो ये आपका इथीन है, अल्कीन है, और अल्कीन में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। नाउ इफ आई ट्राई टू कनेक्ट दिस, आप शेप देखने का ट्राई करिए, इफ आई ट्राई टू कनेक्ट दिस विच शेप यू कैन सी, कॉर्नर्स आपको कौन सा दिख रहा है, कॉर्नर का शेप क्या दिख रहा है आपको, ट्राइंगल। देयरफोर जब भी आपके पास ट्राइंगल है आपको पता है कि ये प्लेन पे लाई कर रहा है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए जब भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा आपका ज्योमेट्री क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। आई रिपीट, जब भी अपने पास sp2 स्ट्रक्चर रहेगा अपना ज्योमेट्री क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। लेट्स सॉल्व द थर्ड एग्जाम्पल, सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए वापस से, दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड क्या है, सिग्मा, ये दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड क्या लेंगे हम लोग, सिग्मा, और बचा कुचा क्या होगा, पाई, तो अपने पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या लेंगे हम, एक एस और एक पी, सो देयरफॉर आवर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रेट है, इसलिए हम लोग ज्योमेट्री क्या बोलेंगे इसका, लीनियर। सो इथीन को हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं और उसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर। नाउ लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जाम्पल्स इन दिस केस, हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है एंड ज्योमेट्री बताना है, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ वन मैंने लिया है एसीटोन, एसीटोन में ये जो बीच वाला कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताने का ट्राई करते हैं। सो मैंने पहले रूल क्या बोला है आपको, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर टू दैट पर्टिकुलर एटम। सो इन दिस कार्बन काउंट द सिग्मा बॉन्ड, सो यू हैव 1, 2, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, बचा कुचा सब पाई, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है अपने पास, 3। अब कार्बन के पास ऑलरेडी चार बॉन्ड दिख रहा है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स उसका यूज हो गया है, ठीक है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, इसका मतलब कोई लोन पेयर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है, सो लोन पेयर अपने पास क्या है, 0। सो अगर आपके पास 3 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हम एस कितना यूज करेंगे, 1, और बचा कुचा क्या यूज करेंगे हम, पी, तो हम पी यहाँ पे कितना यूज करेंगे, 2, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। आई रिपीट, sp2 के लिए अपना शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ज्योमेट्री आपको बाय हट करना पड़ेगा, sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp लीनियर। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला एग्जांपल देख लो, प्लस चार्ज है, सी प्लस चार्ज मतलब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए आप, तो ये केस में सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, याद रखिए अगर किसी एटम को एच अटैच्ड है तो वो सारा एच जो भी अटैच्ड है वो सब सिग्मा बॉन्ड से ही अटैच्ड होगा, ठीक है, रिपीट, जितना एच है उतना सिग्मा बॉन्ड वो एटम का कंसिडर कर लेने का, ठीक है। सो अभी ये कंडीशन में कार्बन के पास 3 एच है, तो अब डायरेक्टली आप बोल सकते थे अगर 3 एच है तो इसके पास सिग्मा कितना होगा, 3 सिग्मा, ठीक है, और कोई लोन पेयर नहीं आएगा इसमें, प्लस चार्ज है मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया इसलिए प्लस चार्ज आया, ठीक है, सो 3 सिग्मा है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक एस और पी कितना यूज करेंगे हम, 2, तो आपका ज्योमेट्री वापस से क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखिए, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है आपके एमसीक्यूज के लिए, इसलिए मैंने इसे लिया है, ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर देम। नाउ कार्बीन है आपके पास, चेक दिस, इन केस ऑफ कार्बीन ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, जितना एच है उतना अपने पास सिग्मा बॉन्ड है, तो एच अपने पास 2 है, 2 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इज 1 लोन पेयर, सो ये लोन पेयर को भी हम लोग काउंट करेंगे LP। अब हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, तो आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और आपके पास 1 क्या है, लोन पेयर, टोटल कितना हुआ, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp2। जब भी आपका लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर को छोड़ने के बाद आप शेप देखिए आपको के पास क्या बचा है, अगर मैंने लोन पेयर को इग्नोर कर दिया तो मेरे पास शेप क्या दिख रहा है, सिर्फ वी शेप, इसलिए इसका ज्योमेट्री क्या होगा, अब चेंज हो गया आपका ज्योमेट्री, आई रिपीट, लोन पेयर ज्योमेट्री
चेंज कर देता है, ठीक है। सो अभी ये केस में लोन पेयर को मत देखिए और बचा कुचा जो है उसका शेप देखिए। तो शेप क्या है? वी शेप। सो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? वी शेप्ड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? एंगुलर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? बेंट, ठीक है। सो इन बेंड है, एंगल जैसा है, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? वी शेप। तो ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, लेट्स नोट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स सी, ट्राई टू रिमेंबर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर। इट इज वेरी सिंपल। Now, if you talk about sp3 hybridization, notice in sp3 hybridization you have 1s and you have 3p, so total orbitals that we have is 4. If you talk about percentage of s character, how many s orbital do you have in 4? You have only 1, and because it is percentage multiplied by 100, so the percentage is going to be 25%. So percentage of s character in sp3 hybridization is 25%. Similarly, from four orbitals, you have 3p orbitals. So percentage of p character will be 3p orbitals upon total orbitals, s plus p into 100. So you will get 75% p character in sp3 hybridization. Similarly, for sp2, you will have s percentage as 33.33 and p percentage as 66.67. For sp, see, you have only two orbitals, so each orbital will have 50% character, so you have 50% S character and 50% P character. Now, why it is important to know this percentage? Because they decide many other important properties in organic chemistry, and many other different types of reactions are governed by them. So let's see. Now, as the percentage of S character increases, like from 25 to 33.33 to 50, in the sequence, you can see as the percentage of S character increases, the percentage of P character will decrease. In that case, your bond will become short. Because the bond is becoming shorter, shorter bonds are going to be stronger bonds. So bond is short and it is going to be strong. Because it is a strong bond, the energy required to break the bond is going to be very, very high. Therefore, we say that the bond energy or bond enthalpy increases. Similarly, if the percentage of S character is increasing, then the electronegativity of that carbon will increase. I repeat, see, it is a triple bond. So in this case, the carbon is sp hybridized. In this case, the carbon is sp2 hybridized. In this case, the carbon is sp3 hybridized. So sp hybridized carbon, I said electronegativity will be more. So if the electronegativity is more, this hydrogen will be more acidic. For sp2, the electronegativity will be less, and therefore this hydrogen will be comparatively less acidic. And in this case, when you have all single bond, the electronegativity of the carbon will be least, and therefore the acidity will also be the least. We will solve some questions. I'm giving you some questions for assignment, so do check it out, solve it, and we'll discuss it in the next class. Thank you.